प्रेगनेंसी का नौवां महीना वो महीना होता है जब गर्भवती महिला और उसकी फैमिली को आने वाले नन्हे मेहमान का बेसब्री से इंतज़ार होता है। वैसे तो गर्भावस्था के पूरे नौ महीने काफ़ी उतार चढ़ाव वाले होते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के आखिरी महीने को सबसे ज़्यादा मुश्किल माना जाता है। इस समय शिशु का वजन झेलना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। वहीं प्रेगनेंसी के नौवें महीने में गर्भवती महिलाओं के मन में डिलीवरी को लेकर भी डर बना रहता है, खास तौर पर उन महिलाओं का जो पहली बार मां बनने जा रही हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रेगनेंसी के नौवें महीने में गर्भवती महिलाओं के शरीर में क्या क्या बदलाव होते हैं, गर्भवती महिला किस तरह से नौवें महीने में अपनी देखभाल कर सकती है, गर्भवती महिलाओं को नौवें महीने में क्या गलतियां नहीं करनी हैं और गर्भवती महिला को कब सचेत हो जाना है, बिना देर किए कब हॉस्पिटल तुरंत जाना है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है लेकिन वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में नौवें महीने में गर्भवती महिलाओं को क्या नहीं करना है। ज़्यादा गर्म तासीर वाली चीज़ें ना खाएं। प्रेगनेंसी के आखिरी महीने यानी नौवें महीने में गर्भवती महिलाओं को खासकर गर्मियों के दौरान ज़्यादा गर्म तासीर वाली चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। ज़्यादा मसालेदार तले हुए भुने हुए ज़्यादा लहसुन अदरक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ज़्यादा चाय और कॉफ़ी का सेवन भी नहीं करना चाहिए, इससे गर्भवती महिलाओं का ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, साथ ही साथ नॉर्मल डिलीवरी में भी अड़चन आएगी और प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगी। कच्चे अंडे और अधपके मांस का सेवन ना करें। प्रेगनेंसी के नौवें महीने के दौरान अब आपको ज़्यादा सावधान रहना है, क्योंकि शिशु के जन्म को अब कुछ ही देर बाकी है, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी एक गलती आपके शिशु को बीमार कर दे। गर्भावस्था के दौरान कच्चा अंडा व अधपका मांस भूल कर ना खाएं, क्योंकि इसमें सेलोमोनेला नाम का बैक्टीरिया होता है और ये सेलोमोनेला बैक्टीरिया शिशु और गर्भवती महिला को बीमार कर सकता है, इसलिए अच्छी तरह से पका हुआ मीट और अच्छी तरह से पका हुआ अंडा ही खाएं। गुनगुने पानी से ज़्यादा देर ना नहाएं। प्रेगनेंसी के नौवें महीने के दौरान गर्भवती महिलाओं को गुनगुने पानी से नहाना अच्छा लग सकता है, लेकिन ध्यान रहे गर्भवती महिलाओं को गुनगुने पानी में ज़्यादा देर तक नहीं नहाना चाहिए। साथ ही इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि पानी ज़्यादा गर्म ना हो, क्योंकि गर्म पानी से गर्भवती महिला के शरीर का तापमान बढ़ जाता है, जिससे माँ और बच्चे के लिए कई तरह की परेशानियां आ सकती हैं। चॉकलेट खाने से बचें। वैसे तो चॉकलेट खाना सबको पसंद होता है, लेकिन ध्यान रहे प्रेगनेंसी के नौवें महीने में चॉकलेट जैसी चीज़ों से परहेज करना चाहिए, क्योंकि इनमें भी चाय और कॉफ़ी की तरह कैफीन होता है, जो शिशु के लिए किसी भी हालत में अच्छा नहीं होता। इससे प्लेसेंटा संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। हाँ, अगर आपका कभी कभार चॉकलेट खाने का मन करे तो थोड़ी बहुत चॉकलेट आप खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा शारीरिक एक्टिविटी ना करें। प्रेगनेंसी के आखिरी महीने में अक्सर डॉक्टर भी आपको शरीर को एक्टिव रखने के लिए कहते हैं, जो कि ज़रूरी भी होता है, ताकि शरीर में रक्त का संचार बढ़ सके, शिशु को प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन और नॉर्मल डिलीवरी में मदद मिल सके। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा काम करना, ज़रूरत से ज़्यादा शरीर को थकाना, ज़रूरत से ज़्यादा शारीरिक एक्टिविटी करना किसी भी हालत में गर्भवती महिला के लिए ठीक नहीं है। इससे प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकती है, समय से पहले शिशु का जन्म हो सकता है। अब हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के नौवें महीने में गर्भवती महिलाओं के शरीर में होने वाले बदलावों के बारे में। प्रेगनेंसी के नौवें महीने में गर्भवती महिला का वजन थ्रू आउट प्रेगनेंसी 10 किलो से लेकर 15 किलो तक बढ़ जाता है और इस समय शिशु भी तरबूज जितना भारी हो जाता है, यानी 3 किलो से लेकर 3.5 किलो तक शिशु का वजन हो सकता है। प्रेगनेंसी के नौवें महीने में गर्भवती महिलाओं को बहुत सारी परेशानियां और शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं, जैसे कि
प्रेगनेंसी के 9वें महीने में गर्भवती महिलाओं को काफ़ी बेचैनी होती है, साथ ही साथ उनको काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगती है। इसके अलावा सांस फूलना, सीने में जलन होना आदि समस्याएं बढ़ जाती है। प्रेगनेंसी के 9वें महीने में शिशु की हलचल कम हो जाती है, जो कि बिल्कुल सामान्य बात है। अक्सर गर्भवती महिलाएं इस बात को लेकर चिंतित हो जाती हैं, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि शिशु का आकार काफी बढ़ चुका है, जिस कारण गर्भाशय में ज्यादा जगह नहीं मिल पाती और शिशु कम हलचल करता है। लेकिन अगर आपको 24 घंटे तक शिशु की बिल्कुल हलचल महसूस ना हो, तब आप डॉक्टर के पास जरूर जाएं। प्रेगनेंसी के 9वें महीने में रात के समय आपको बार बार पेशाब करने के लिए उठना पड़ता है, जिस कारण आपको नींद आने में दिक्कत होती है। इस समय पेट इतना भारी हो जाता है कि आपको सोने के लिए कोई सही पोजीशन समझ नहीं आती। इस महीने में दर्द, ऐंठन, कमर दर्द भी आपकी मुश्किल और बढ़ा देता है। पेट के बल आप सो नहीं सकती, पीठ की बल सोने से गर्भाशय पर भार पड़ता है, जिससे आपको मतली और सांस लेने में दिक्कत और पीठ दर्द की समस्या हो सकती है। यही वजह है कि डॉक्टर इस महीने करवट लेकर सोने की सलाह देते हैं। प्रेगनेंसी के 9वें महीने में शरीर खुद को डिलीवरी के लिए तैयार कर रहा होता है, जिस कारण कूल्हों में दर्द हो सकता है। ऐसा शिशु को बाहर निकलने के लिए पेल्विक में लचीलापन लाने के लिए होता है, क्योंकि कूल्हों की जो ऊतक होते हैं वे ढीले पड़ने शुरू हो जाते हैं, ताकि नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो सके, जिस कारण कूल्हों में दर्द हो सकता है। इस समय ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होता है, जिस कारण शरीर में सूजन आना एक आम बात है, लेकिन ध्यान रहे, अगर आपके चेहरे में सूजन हो तो इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, यह प्री एक्लिप्सिया का संकेत हो सकता है, तो ऐसे में तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। अगर गर्भवती महिला को अचानक पेट दर्द शुरू हो जाए और लंबे समय तक रहे, पीठ से होते हुए आगे की ओर पेट की तरफ जाए और धीरे धीरे इसकी इंटेंसिटी और ड्यूरेशन भी बढ़ता जाए और ये दर्द समय के साथ स्ट्रांग होता जाए, तो समझ जाएं ये लेबर पेन की शुरुआत हो चुकी है, तब आप डॉक्टर के पास अवश्य जाएं, बिल्कुल भी देर ना करें। इसके अलावा अगर गर्भवती महिला को ऐसे लगे कि उसकी योनि से पेशाब की तरह पानी निकल रहा है, तो हो सकता है कि आपकी पानी की थैली फट गई है, तो यह भी एक इमरजेंसी स्थिति है, तब आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई सवाल और सुझाव है, मैं कोशिश करूंगा आपके सभी सवालों के जवाब देने की। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।